मैं दिनेश्वर महाराज आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में एक जड़ है और इस जड़ का नाम है खश। आप पत्ते की डिजाइन भी देख सकते हैं, एक तरफ राउंड होता है, हाफ राउंड होता है, एक तरफ पूरा प्लेन होता है। इस जड़ की खासियत यह है कि सर्वजन जैसे सर्वलोकम वशीकरण। आप एक नेता है या आप कुछ सम्मान पाना चाहते हैं, पब्लिक के बीच में जाए तो पब्लिक आपकी बातें माने, तो आपको करना क्या होगा, इस खस के जड़ को प्राप्त करें आप। अब खस की जड़ कैसे प्राप्त करेंगे आप, ये मैं आप सबको बता दूं। जो तालाब होता है, तालाब के अंदर ये अक्षर मिलता है और तालाब के बीचों बीच ये पेड़ ऐसा खड़ा रहता है, जो जड़ी है ये ऐसा खड़ा रहता है, आपको दूर से दिख जाएगा कि ये खस है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा इस खस का उपयोग करने का मतलब क्या है, कि आप जब उपयोग करेंगे तो सर्वलोकम वश में, मतलब सबको अपने वश में करेंगे, आपकी बातें मानने पे मजबूर हो जाएगा। इसे कैसे उपयोग करना है मैं बताऊंगा। इसके जड़ को यहाँ से आप काट लें, पत्थर पे इसे घसें, थोड़ा सा केसर को उसमें मिक्स कर लें, केसर को मिक्स करें और एक मंत्र को पढ़ें 11 बार, ओम क्लीम क्लीम सर्वजन मुहाय। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, ओम क्लीम क्लीम सर्वजन मुहाय। और इस तिलक को अपने माथे पर लगा लें और जिस भी एरिया में जाएंगे उस एरिया में सक्सेस हो जाएंगे। इस जड़ी को प्राप्त करने के लिए तो दोस्तों प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, एक बार फिर बोलूंगा मैं सब्सक्राइब करें। जय भैरव।